1 जून 2024 से जीएसटीएन के अंदर आपको ई वे बिल जनरेट करने के लिए एक और पोर्टल मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस पोर्टल की खासियत क्या रहेगी कि प्रेजेंटली ये जो ई वे बिल 2 पोर्टल 1 जून से स्टार्ट होगा, उसमें केवल क्रिटिकल सर्विसेज रिलेटेड टू ई वे बिल सिस्टम मिलेगी। ग्रेजुअली जो है इसको एक्सटेंड किया जाएगा ई वे बिल से रिलेटेड अदर सर्विसेज के लिए। फ्रेंड्स, ई वे बिल पोर्टल जो है जनरेट और अपडेट ई वे बिल करने के लिए इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ये मेन पोर्टल से जो है आपका इसका कोई भी लिंकिंग नहीं होगा। ई वे बिल पोर्टल पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी वो वेब बेस्ड और एपीआई मोड पर ऑपरेट की जा सकती है। टैक्सपेयर और लॉजिस्टिक ऑपरेटर ई वे बिल पोर्टल को यूज कर सकते हैं सेम क्रेडेंशियल के साथ में जो वो मेन पोर्टल के क्रेडेंशियल है। कोई नया क्रेडेंशियल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से टैक्सपेयर और लॉजिस्टिक ऑपरेटर ई वे बिल पोर्टल को यूज कर सकते हैं जब मेन पोर्टल पर कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है या कोई अदर इमरजेंसी है। फ्रेंड्स, ई वे बिल जो ये सेकंड पोर्टल आएगा इसके अंदर क्रॉस ऑपरेशन रहेगी प्रिंटिंग और अपडेटिंग पार्ट ए पार्ट बी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ई वे बिल का पार्ट ए तो बनाया मेन पोर्टल से, लेकिन आप उसका पार्ट बी जो बनाना चाहते हैं वो जो ई वे बिल का नया पोर्टल आएगा ई वे बिल 2 पोर्टल से, तो आप ई वे बिल 2 पोर्टल से ओनली पार्ट बी भी बना सकते हैं, उसका प्रिंटिंग भी ले सकते हैं और वाइस वर्सा। फ्रेंड्स, इन केस जो मेन पोर्टल है आपका वो नॉन ऑपरेशनल है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन से, तो आप पार्ट बी भी जो है अपडेट कर सकते हैं थ्रू आपके जो नए पोर्टल है। फ्रेंड्स, तो ये एक वीडियो था जिसमें अब आपके सामने ई वे बिल के लिए एक और नया पोर्टल आने वाला है 1 जून 2024 से। गवर्नमेंट जीएसटीएन में नए नए अनाउंसमेंट लेके आ रही है, मेरी वीडियो पे भी उसी पे बनी रहती है। जीएसटी इनकम टैक्स की आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।